हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एस स्टडी टाइम। आज इस वीडियो में मैं आपको मौलाना आज़ाद कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताने वाली हूँ कि इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताने वाली हूँ। इस कॉलेज में जो नंबर ऑफ़ सीट्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर है और यहाँ पर जो कोर्सेज अवेलेबल है, इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो सबसे पहले बता दूं कि वीडियो मौलाना आज़ाद कॉलेज का फॉर्म ऑनलाइन फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है 18 जुलाई से, और इसका लास्ट डेट है 5 अगस्त तक आप इस कॉलेज का फॉर्म फिल कर सकते हैं, रात के 11:59 तक, यानी 12:01 तक पहले। इसके बाद बात करती हूँ मैं यहाँ के एडमिशन क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर एडमिशन क्राइटेरिया की मैं बात करती हूँ। सबसे पहले जनरल की बात करती हूँ कि यहाँ पे बीए जनरल के लिए आपका कितना परसेंट रिज़ल्ट अगर है तो आप बीए जनरल में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने 40% रिज़ल्ट गेन किया है, आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और अगर आपका रिज़ल्ट 40% है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं बीए जनरल कोर्सेज के लिए, और एससी एसटी वालों के लिए 30% है। इसके बाद मैं बात करती हूँ इसके बाद यहाँ बीए ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, अरबिक, बंगाली, इंग्लिश, हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, फ़िलोसफ़ी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशियोलॉजी और उर्दू। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं बीए ऑनर्स के लिए, और सब में आपका जो मार्क्स है वो 50% होना चाहिए। आपका रिज़ल्ट अगर 50% है और सब्जेक्ट में भी 50% मार्क्स है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ऑनर्स कोर्स के लिए। सिर्फ इंग्लिश के लिए आपका जो रिज़ल्ट है अगर वो 60% है और आपका मार्क्स इंग्लिश में 60% आया है तब आप इंग्लिश ऑनर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप किसी भी बीए ऑनर्स कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे, अगर आपका रिज़ल्ट 50% अबव है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करती हूँ बीकॉम वालों के लिए। तो बीकॉम वालों के लिए 60% अगर रिज़ल्ट है तो बीकॉम अकाउंटेंसी ऑनर्स यहाँ पे होता है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। बीएससी वालों की बात मैं करूँ तो बीएससी में यहाँ पे कोर्सेज जो है वो बोटानी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिज़िक्स, स्टैटिस्टिक्स और जूलॉजी, ये सारे कोर्सेज हैं। इन सब के लिए आपका रिज़ल्ट 60% अबव होना चाहिए, यानी 60% रिज़ल्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपका सब्जेक्ट में भी 60% मार्क्स होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए 50% ही है और बोटानी के लिए 55% है, जूलॉजी के लिए भी वही 60% है। तो ये था परसेंटेज एडमिशन क्राइटेरिया मौलाना आज़ाद कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए। गाइज, अब मैं बात करती हूँ यहाँ के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की और यहाँ एडमिशन फ़ीस की। तो यहाँ पे एडमिशन फ़ीस बीए ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए 1145 रुपीज़ है, तो ये बहुत कम है अदर्स कॉलेजेस के मुकाबले। यहाँ पे बीए ऑनर्स के लिए जितने भी कोर्सेज दिए गए, जितने भी सब्जेक्ट्स का, तो यहाँ पर सभी का फ़ीस सेम है। इसके अलावा हम लोग अगर देखें कि बीएससी कोर्सेज और बीकॉम कोर्सेज के लिए क्या फ़ीस है, तो बीएससी और बीकॉम कोर्सेज के लिए यहाँ पे 1615 रुपीज़ फ़ीस है, तो बहुत कम फ़ीस है यहाँ पे बीएससी और बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए। और जनरल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 820 रुपये फ़ीस है। इसके अलावा आपको यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बता दूँ तो आप CC1, CC2 और GE आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स ऑफ़र में दिए हुए हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट्स को जो आपको अच्छा लगता है वो चुन सकते हैं। आप यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट ऑप्शन में है। गाइज, अब मैं बात करती हूँ यहाँ के इनटेक कैपेसिटी, यानी सीट कैपेसिटी, नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं। तो सबसे पहले मैं बीए ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए बात करती हूँ। तो यहाँ पर बीए ऑनर्स जो होता है वो अरबिक, बंगाली, इंग्लिश हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशियोलॉजी, पर्शियन, फ़िलोसफ़ी, उर्दू, ये सारे ऑनर्स हैं यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स है वो उर्दू ऑनर्स के लिए है, 90 सीट्स हैं। इसके अलावा बाकी सभी में 50, 30, 35, 40 इस तरीके से सीट्स है। तो आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी कम हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जल्द अज़ जल्द अप्लाई कर लें। इसके बाद अकाउंटेंसी की बात करती हूँ बीकॉम ऑनर्स की, तो यहाँ पे सिर्फ 70 सीट्स हैं। और बीएससी ऑनर्स की मैं बात करूँ तो बीएससी ऑनर्स में यहाँ पे आपको वही 40-50 के अंदर सीट्स है। यहाँ पे
बीएससी ऑनर्स में इकोनॉमिक्स में 58 सीट्स हैं। तो ये थी सीट्स कैपेसिटी मौलाना आज़ाद कॉलेज की। गाइस इसका लास्ट डेट 5 अगस्त है, इसके बाद इसका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पब्लिश हो जाएगा और उसके बाद से आप ऑनलाइन एडमिशन के लिए यहाँ पे कॉल लिस्ट आने लगेगा और तब आप अपना एडमिशन यहाँ पे कर सकते हैं। आपको रेगुलरली कॉल लिस्ट को चेक करते रहना होगा ताकि आपका कोई भी कॉल लिस्ट मिस ना हो, आपका नाम मिस ना हो। इसलिए सारे अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।